बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को होली की बधाई दी है। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि कोरोना के हालात को देखते हुए अपने घरों में ही होली मनाएं। उन्होंने आगे कहा कि होली को पारस्परिक प्रेम, आपसी भाईचारा और सामाजिक सद्भाव के साथ मनाना चाहिए। विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद जेडीयू ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए अब हर नेता नीतीश कुमार नामक अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके लिए पार्टी प्रखंड अध्यक्षों को 2 दिनों के लिए प्रशिक्षण शिविर में भेजेगी। इस दौरान जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी का एजेंडा और सिद्धांत दोनों नीतीश कुमार से ही जुड़ा हुआ है। विधानसभा सत्र में विपक्षी विधायकों की पिटाई के मामले को तेजस्वी यादव ने भुनाना शुरू कर दिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में विपक्षी पार्टी विधायकों की पिटाई के मुद्दे को लेकर अब पंचायत स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी इस मामले में पंचायत स्तर पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। रोहतास के डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह अपने एक निजी होटल में होली को लेकर सारी मर्यादाएं तार तार करते नजर आए। होटल में बार बालाओं के डांस का आयोजन किया गया। इस मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को संबोधित कर मनाए गए गानों पर बार बालाओं का जमकर डांस हुआ। इस दौरान जमकर अश्लीलता भी परोसी गई। आप तस्वीरों में खुद देखिए किस प्रकार आरजेडी और लालू यादव को संबोधित करता हुआ गाना, जिस पर बार बालाएं ठुमके लगाती दिख रही हैं। बता दें कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह के होली मिलन या सार्वजनिक कार्यक्रमों पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके यहां पर मौजूद न किसी के पास मास्क है और न ही 2 गज की दूरी यहां पर बरती जा रही है। और अब आज झारखंड के गुमला में बीजेपी ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष किरण बाड़ा अम्माला, पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुप चंद अधिकारी के साथ साथ बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान नेताओं ने लोगों से कोरोना संबंधित गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए होली खेलने की अपील की। इसका पालन करते हुए होली का त्यौहार मना रहे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी गुमला जिला की ओर से कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, इसमें हम लोग सारे लोग सम्मिलित हुए हैं और आने वाला दिन में निश्चित रूप से कोरोना काल में हम लोग सभी को सावधानी का आवश्यकता है। उस सावधानी बरतने का हम निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं को अपील करते हैं।